साइड वाले सपोर्ट और सेंटर वाले सपोर्ट। तो जो साइड वाला सपोर्ट है इनको ऐसे रखने के बाद एक स्क्रू यहाँ पर और दो स्क्रू यहाँ पर, और जो सेंटर वाला सपोर्ट है इनको डिवाइड करने के बाद एक स्क्रू यहाँ पर, एक यहाँ पर, और आप चाहे तो यहाँ पे दो भी लगा सकते हैं और एक भी लगा सकते हैं। तो चलिए आगे जो हमने फ्रेम बनाया है वो भी लगा दिया है, वो भी मैं आपको दिखा देता हूँ। तो एल क्लैंप के जरिए इसको भी हमने फिटिंग कर लिया है, यहाँ पे एक स्क्रू दीवार में और तीन स्क्रू पाइप के सपोर्ट में। बिल्कुल ऐसे यहाँ पे जो पाइप का वेस्टेज होता है इनके सहारे यहाँ पे दो स्क्रू पाइप के साथ में, एक स्क्रू दीवार में। तो इस प्रकार से दोस्तों फ्रेम को कसा जाता है दीवार के साथ। तो पहले हमें ये स्क्रू लगा लेना है और इसके बाद दोस्तों यहाँ पर ऐसे कारकोना रख के आपको चेक कर लेना है कारकोने में कंप्लीट रह जाए, और इसके बाद यहाँ पे दो छेद करने के बाद इस स्क्रू को कस लेना है। तो दोस्तों ये फ्रेम बन चुकी है और फिलहाल इसको सिर्फ लगाना बाकी है। और इस प्रकार से फ्रेम बनाई जाती है। तो चलिए मैं आपको लगाने के बाद दिखाता हूं। तो दोस्तों एसीपी का सर्वे हमने कर लिया है और यहाँ पर सिलिकॉन भी लगा दिया है। यहाँ से एसीपी इस प्रकार यहाँ पे मुड़ जाएगा। तो मुड़ने के लिए दोस्तों यहाँ पर वी ग्रू लगा के पीछे यहाँ पे मोड़ने के बाद इसमें सिलिकॉन भी भर दिया है। और सिलिकॉन दोस्तों हम फेविसील कंपनी का ही इस्तेमाल करते हैं। तो फेविसील कंपनी जो है फेविकोल की ही ब्रांड है पिडिलाइट की, तो आप इसका इस्तेमाल कर सकते हैं क्योंकि ये सबसे बेहतर सिलिकॉन आता है। तो चलिए कुछ सिलिकॉन अभी लगाने का बाकी है यहाँ पर, तो लगाने के बाद आपको इसको लगा के भी दिखाते। तो दोस्तों लगा दिया है, इसके बाद यहाँ पे हमें दो तीन स्क्रू यहाँ पे कस लेंगे और दो तीन स्क्रू आगे की साइड में कस लेंगे। तो स्क्रू कसने के लिए दोस्तों ये स्क्रू है फॉर पेन, ड्रिल में छोटा सा बिट, और एक कोटेशन के लिए चारानी बिट और स्क्रू ड्राइवर का इस्तेमाल करते हैं। तो चलिए मैं आपको लगा के भी दिखा देता हूं। तो दोस्तों एसीपी लग चुका है, तो एक स्क्रू यहाँ पे है और बिल्कुल दो इसके नीचे की साइड में है और आगे की साइड में कुछ कुछ स्क्रू लगाने होते हैं जहां पे दिखाई बिल्कुल ना दे। तो इस प्रकार से एसीपी लगाया जाता है।